हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। होप आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। मुझे अच्छा लग रहा है, व्यूज़ भी आ रहे हैं। आप देखते रहिए और मेरे वीडियो पे बने रहिए। आज मैं आपको डिज्नीलैंड के मेरे एक्सपीरियंस के बारे में शेयर करना चाहता हूँ। मैं 2019 दिसंबर में डिज्नीलैंड गया था, कोई ऑफिस की मीटिंग की तरफ से। हमारा रिजॉर्ट में बुकिंग था और उस रिजॉर्ट के पास ही डिज्नीलैंड के चार पार्क। उस चार पार्क में डिज्नीलैंड, एपकॉट है, किंगडम है, हॉलीवुड थीम पार्क है। तो ये जो मेरा वीडियो नेक्स्ट आने वाला है, उसमें मैंने डिज्नीलैंड का मेन किड्स पार्क है, एपकॉट बोलते हैं उसको, उसमें मैं गया था। एंड इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस वहाँ पे बच्चों को स्पेंड करने के लिए। लाइक अगर आप उनको 2 दिन भी छोड़ देंगे तो आपका बच्चों का पेट नहीं भरेगा। ये बहुत सारे राइड्स हैं, बहुत सारे परेड्स हैं और किड्स स्टफ है जो एंजॉय करते हैं। अच्छी बात यह है कि डिज्नीलैंड के राइड्स जो है सिर्फ किड्स के लिए नहीं होते हैं, दे आर मेंट फॉर एडल्ट्स एज वेल। मैं कुछ कुछ राइड्स पे बैठा था, मुझे बहुत मज़े भी आए। और वो वीडियो भी मैं आपको शेयर करूँगा, यू विल डेफिनेटली लव इट। बेसिकली मेरा जो वीडियो है अभी दो चीज़ के ऊपर है। एक किड्स मैटी पार्टी एक राइड है जिसमें आप एक कप के शेप में एक राइड होती है, उसमें आप बैठते हैं और वो कप घूमता है और बहुत स्पीड से भी घूमता है। और वहाँ पे जो परेड होता है, बेसिकली क्रिसमस के टाइम पे बहुत अच्छा परेड होता है। ये परेड एन्जॉयबल होता है। यहाँ की जो एंट्री फीस है, ये डॉलर में उन्होंने चार्ज की थी मुझे, शायद 80 या 85 डॉलर्स, और उसमें 1 पर्सन की एंट्री होती है। ये बहुत ही रीजनेबल है उनके हिसाब से, बिकॉज़ आप होल डे वहाँ स्पेंड करते हैं। सुबह 9 बजे जाइए, शाम को 7 बजे तक चलेगा, मल्टीपल राइड्स हैं, मल्टीपल शोज़ हैं। अभी तो प्राइस बढ़ा दिया होगा उन्होंने, और ये राइड्स अपडेट भी करते हैं। हर साल नए कोई राइड्स लाते हैं, परेड्स अपडेट करते हैं। उसके बाद उनका एक बैंड होता है, फैमिली बैंड भी ले सकते हैं। तो आप फैमिली मेम्बर के चार हैं तो फैमिली बैंड भी ले सकते हैं। और अगर आप एक VIP लाइन्स होती है जहाँ पे यू कट द क्यू, आप वो VIP लाइन के पास, बट उसके चार्जेस ज़्यादा होते हैं। अगर आपको लगता है कि बहुत रश है, यू विल नॉट गेट द टाइम टू सी एवरी राइड और एन्जॉय दी राइड, यू कैन टेक दैट एज वेल। अगर आपके पास कम छुट्टियाँ हैं, कम टाइम है, तो आप वो भी कर सकते हैं। काफ़ी एन्जॉयबल डे था मेरा, और आई थिंक मैं बहुत एन्जॉय किया जब वहाँ पे था। आप भी मेरे साथ बने रहिए, आप डेफिनेटली एन्जॉय करेंगे राइड्स को और परेड्स को। आप ज़रूर देखें, मुझे अच्छा लगेगा। और मुझे कमेंट करके बताएं मेरा वीडियो कैसा लगा आपको। बने रहिए, मैं आपको कमेंट्री भी देते रहूँगा मेरा वीडियो के साथ। ये मैट टी पार्टी है, देखिए अभी मैं झूले में आपको दिखूँगा, टोपी पहनता हुआ। एंड देयर यू गो, दिस इज़ मी। मुझे बहुत मज़ा आया। ये राइड अप्रॉक्सीमेटली 2 से 2.5 मिनट की होती है, एंड यू कैन टेक मल्टीपल राइड्स, बट इफ़ देर इज़ अ क्यू तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अदरवाइज बहुत ही अच्छी राइड है, इसमें सर भी नहीं घूमता है। यू विल डेफिनेटली एन्जॉय, एंड वंस यू गो देयर डू ट्राई दिस राइड। ये टॉय कार है जो ट्रैक्स में चलती है, आप इसमें दो जने बैठ कर चला सकते हैं। आपके पाँव में कुछ एक्सीलेटर और हैंड में स्टीयरिंग व्हील रहेगा। मुझे बहुत मज़ा आया है। ये कम्प्लीटली शायद 2 लूप आपको देते हैं। इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी फन टू राइड।
ये डिजनीस फेस्टिवल ऑफ फैंटेसी परेड है, बहुत अच्छा लगता है, काफ़ी 10-15 मिनट तक चलता है। यहाँ पे डिफरेंट कैरेक्टर्स आते हैं, दे प्ले एंजॉय सिंग सॉन्ग, म्यूजिक चलता है। इट्स वेरी फन टू सी एंड वॉच, किड्स टू लव दिस वन। हाँ, एक प्रॉब्लम है, किड्स इतना देर खड़ा नहीं रह सकते, तो हो सकता है तो एक पोर्टेबल चेयर टाइप का अपने साथ लेके जा सकते हैं आप, जो फोल्डिंग हो और किड्स बैठ के देख सकें, तो बहुत ही इन्जॉयबल है, आपको काफ़ी मज़ा आएगा ये देखने में, एंड दिस इज़ रियली फन।
एक वाटर बोर्ड राइड है जो आपको एक हाइट से ऊपर नीचे फेंकती है, एंड देन स्लोली इट गोज इन साइड अ टनल जहाँ पे बहुत सारे कार्टून कैरेक्टर्स है। मुझे बहुत मजा आया, सिंस आई एम स्टैंडिंग आउटसाइड तो इसमें मेरा फेस नहीं दिखेगा, बट मैं जब अंदर में था तब एक दूसरी वीडियो मैंने अपलोड की है जिसको आप देख सकते हैं। दिस वेरी एंगेजिंग एज वेल, जब आप इसके अंदर जाते हैं तो काफी कार्टून कैरेक्टर्स परफॉर्म करते हुए आपको दिखेंगे, और जब ऊपर से नीचे फेंकता है तो काफी पानी के छींटे भी आपके ऊपर पड़ते हैं। दिस वेरी इंटरेस्टिंग एज वेल। यूं ही मेरे वीडियो को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और हम मिलकर साथ में पूरी दुनिया घूमेंगे। धन्यवाद।